तुम यहाँ अकेली आई हो? नहीं, काशिफ के साथ आई हूँ। कहाँ है काशिफ? कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। वो यही है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अगर उसने देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। प्लीज। तुम्हें कितनी बार कहा मेरी बीवी से? मेरी बात समझ नहीं आती, बेगैरत इंसान। काशिफ, छोड़ो 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 मुझे। यू मैड? नहीं, बीवी संभाली नहीं जाती, दूसरों से लड़ते फिर रहे हो। घर चलो, मम्मा को बताओ। I'm so sorry, असफर। मैं तुम्हारी इंसल्ट ना मेरी इंसल्ट है और मैं देखना इस चीज को बहुत सीरियसली लूंगी। घर जाते ही मैं मामा से बात करती हूँ। It's okay, just leave it. No way, काशिफ के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना। मैंने कहा ना नोशी, बस रहने दो। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से लव्स। शादी के बाद तुम ऐसे ही मुझे नोशी पुकारना। चलो दिल तो चाह रहा था मुक्का मार के तुम्हारी शक्ल बिगाड़ देता, ताकि शक्ल तुम्हारी तुम दोबारा किसी को दिखाने के काबिल ना रहती। मैं आपसे हजार बार कह चुकी हूँ, मैंने असफर को नहीं बुलाया। वो चढ़ा भानिया, बहुत सुन लिए मैंने तुम्हारे झूठ। अब मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है सिवाय तुम्हारी इस बद किरदारी के। काशिफ बस कर दे, आप हद से गुजर रहे हैं। बस कर दे मेरी किरदार कशी करना, अल्लाह के अजाब से डरे। मुझ पे क्यों नाजिल होगा अल्लाह का साहब? संसार तो तुम्हारे जैसी औरतों को करना चाहिए। पापा, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे असफर के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई है काशी के बिहेवियर की वजह से। काशिफ भाई है तुम्हारा, असफर से ज्यादा तुम्हें उसकी खुशी का एहसास होना चाहिए। सॉरी टू से मामा, काशी मेरे पर्सनल मैटर्स में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है। आप उसे समझा लें कि अपनी लिमिट्स में रहे। देख लिया अपने बेतुके फैसले का नतीजा, दोनों बहन भाई में फूट डलवा दी ना आपने। तो पहले कौन सा आपस में उनका अच्छा सलूक था, हर वक्त लड़ते रहते थे आपस में। पर मेरा ख्याल है नौशी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि काशिफ को बेनगोई से उलझने की जरूरत ही क्या है। अरे तो ये आप ही की ढील है ना, असफर तो आपका तनख्वाहदार मुलाजिम है, काम करने के बजाय शॉपिंग करता फिर रहा है। बुशरा, मैंने उसे इजाजत दी थी, मैंने असफर को साथ ले जाने की मैंने इजाजत दी थी। बस आपके तो क्या ही कहने, एक दिन आएगा जब आप अपना सब कुछ अपनी बहन के बच्चों के नाम कर देंगे। इतना पागल नहीं हूं मैं, मुझे पता है किस बंदे से कितना ताल्लुक रखना है। अपने बेटे से भी ये बात कह देना कि वो आगे जिंदगी में कुछ कर सके। बेटे को समझा दो। जी वाह, बड़ी शॉपिंग कर डाली, क्या क्या खरीद लिया? पता नहीं, नौशाबा ने लिया अपने मर्जी से सब कुछ। अरे असफर, ये तो बिल्कुल ऐसे कपड़े हैं जैसे अमीर लोग पहनते हैं ड्रामों में। इसको पहन के तो मेरा बेटा बिल्कुल सेठ लगेगा। वो सत्य मोबाइल, पता नहीं अम्मी, मुझे इस वक्त अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पागलपने की बातें तो करो नहीं, और अल्लाह का शुक्र अदा करो इतने अमीर कबीर घराने के दामाद बनने जा रहे। मुझे कोई शौक नहीं है इतने अमीर घराने का दामाद बनने का, और वैसे भी मेरी इस शादी से सिवाय नौशाबा मामू के और कोई खुश नहीं है। मोमानी और काशिफ तो, अरे बुशरा और उसके बेटे को तो छोड़ ही दे, सब कुछ बड़े भाई के हाथ में है। बुशरा उसका बेकार बेटा कुछ भी नहीं कर सकता। अम्मी, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रिश्ते नफरत की बुनियाद पे बनाए जाते हैं ना, वहाँ मोहब्बत के बीच नहीं बोते। मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या परेशानी है? मोमानी काशिफ नफरत करते हैं। आज काशिफ मिला था मुझे मार्केट। बहुत बदतमीजी की उसने। काशिफ ने? उसकी ये मजा है कि अपने होने वाले बहनों से उलझे। तू ठहर जा,
मैं बड़े भाई से बात करती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, काशिफ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी नौशी से शादी हो या ना हो। तो तू भी उसे जूते की नोक पे रख लेना, शादी होने तक सब्र कर ले। एक दफा शादी हो जाने फिर देख लेंगे उस सूरमा को। कहाँ जा रहे? अरे तो इस लड़के की समझ में कुछ भी नहीं आता, पागल हुआ हुआ इसके पीछे। आखिर बताओ ना कि हुआ क्या है। कुछ नहीं, वो गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था, शुक्र है बचत हो गई। कहीं जोर तो नहीं लगी? और ये हाथ को क्यों बार बार झटक रहे हो? उसे कुछ नहीं हुआ है, तुम देख रही हो, चोट तो उसको लगी, उससे भी कुछ पूछ लो भाई। अरे इसको क्यों पूछूं मैं, मुझे अपने बच्चे की पड़ी हुई है। तुम इसे कहाँ लेकर गई थी जो एक्सीडेंट होते होते बचा? हाले वाला कुवत, वो कोई बच्चा नहीं है कि वो उसकी उंगली पकड़ के कहीं भी ले जाएगी। अरे जब से शादी हुई है ना, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है काशिफ, कभी घर से बाहर रहता है और अब देखे हादसा होते होते बचा है। तो इन सब बातों की जिम्मेदारी ये बच्ची? नहीं, आप है, आप ही इसी सौगात को घर पर लेकर आए। जिस दिन से ये इस घर में आई है ना, सुकून दबा हो गया, हर रोज लड़ाई होती है यहाँ। हाँ, इससे पहले तो ये घर अमन का गहवारा था ना। जाओ बेटे, तुम जाओ अपने कमरे में आराम कर। शाबाश। और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी डैड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई टेक सम रेस्ट। थक तो मैं गया हूँ तुम्हारी नालायकी और तुम्हारी हरकतों से। ये तुमने असफर से बदतमीज क्यों की आज? सिर्फ आज, वो जब भी मेरे सामने आएगा मैं उससे इसी तरह बदतमीजी करूंगा और उसकी इंसल्ट करूंगा। You know why? Because I hate him. काशिफ, तुम्हें ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही ना? ऐसा करते हैं गाड़ी में चलते हैं, एसी चला के वहां पे बैठते। अरे मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही, अम्मा पहले कम ताने देती हैं क्या मुझे? उन्हें तो यही लगता है कि उनसे ज्यादा आप मेरा ख्याल रखते हैं। कार में जाके बैठ जाऊंगी तो पता नहीं क्या तमाशा करेंगे। अरे अम्मा को छोड़ो, उनकी बात एक कान से सुना करो, दूसरे से निकाल दिया करो, जैसे मैं करता हूँ। अरे बस रहने दे, आप लोग मर्द ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी बात अपने सर पे सवार नहीं करते, लेकिन हम औरतें हम ऐसा नहीं कर पाती। तो तुम बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम खुश रहो, तुम्हारी सेहत पर कोई असर ना पड़े। अगर तुम कहो तब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, किराए के मकान में जाके रह लें। किराए के घर पे? अरे यहाँ की चिक चिक से बचने के लिए, अगर तुम ठीक होगी तो बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा और मुझे हेल्दी बच्चा चाहिए। माना कि मैं हैंडसम हूँ, मेरी पर्सनैलिटी है, लड़कियां मरती हैं मुझ पे, लेकिन तुम ऐसे क्यों देख रही हो इस वक्त? कुछ नहीं, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो तो कभी कभी मुझे अपनी किस्मत से डर लगने लगता है कि ये सब कुछ ख्वाब ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस खुश रहा करो और अपना ख्याल रखा करो। अभी तुम्हारे लिए फ्रिज से ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरीज लेकर आता हूं।
शोभा, कैसी हो? मेरी पिक्स देख के पता नहीं चल रहा कि कितनी खुश और फ्रेश लग रही हूँ। वो तो है। You know what? I'm so happy. मुझसे तो जुम्मे तक का वेट ही नहीं हो रहा। तुम्हारी भी यही फीलिंग्स हैं क्या? पता नहीं मुझे, मैंने अपनी फीलिंग्स पर कभी इस तरह गौर नहीं किया। तुम ना बहुत अजीब इंसान हो, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें चेंज कर दूंगी। देखना, मुझसे मिलते ही तुम्हें जिंदगी से प्यार हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ, उनसे बाद में बात करता हूँ। हरगिज नहीं, मुझसे ज्यादा अहम और जरूरी कुछ और है, इसीलिए हम बातें कर रहे हैं। बल्कि मैं सोच रही हूँ हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। नहीं नहीं, ड्राइव पे जाने की क्या जरूरत है, बस फोन पे ही बात कर लेते हैं। अच्छा इधर से दबा ली मांग, ये जगह से। हलीमा जा, अब जाके ना खाना देख ले तू, ये हानियां दबा देगी मुझे। वैसे भी ये बहुत अच्छा दबा दे। ठीक से दबाओ ना, जान नहीं है क्या हाथों में? आंटी मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ, सुसर के तो बड़ी आगे पीछे फिरती। हाँ भाई, उनसे काम जो है। चलो बस रहने दो, छोड़ दो। सारे जहान में गाती फिरोगी कि मेरी सास मुझसे बड़ी खिदमत कराती है। अच्छा ये बताओ कि क्यों आई हो, क्या काम? वो आंटी मैं घर जाना चाह रही थी, काफी दिन हो गए घर नहीं गई। घर जाना चाहती हूँ क्यों? अपने घर में दिल नहीं लगता क्या तुम्हारा? और फिर तुम्हारी अम्मा हर वक्त तो भागी चली आती हैं, घुसी रहती हैं तुम्हारे कमरे में। नहीं आंटी, अम्मी कहाँ आई हैं, इतने दिन हो गए, मेरा दिल था अम्मी से मिलने का। तो उनको फोन करके जो बुराइयां हमारी करनी है वो कर लो ना, है सुकून मिल जाएगा तुम्हें। मैं नहीं जाने दूंगी, घर में बहुत काम है, नोशी का निकाह है, है? सारे काम मासी के साथ मिलकर तुम ही ने करने। खड़ी क्यों हो? जाओ जाओ, जाके देखो किचन में। दबाते हुए तो हाथ टूट रहे थे। अपने घरों में खूब झाड़ पोछा करती हैं, यहाँ हाथ टूट जाते हैं। तानिया मेरे जन शरबत बना दो, मेरा एक मेहमान आया। अच्छा अभी लाती हूँ। तकलीफ के लिए माजरत। ओहो जरा से शरबत बनाने में तकलीफ काहे की होगी, लाती हूँ। थैंक यू। और सेठ, दिन ब दिन तुम्हारा मुतालबा बढ़ता जा रहा है, मुझे खुद आना पड़ा तुम्हारे घर। हाँ सेठ, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना। बहुत कमीनीशे हो तुम, मेरी अगर मजबूरी नहीं होती तुम जैसे शख्स को मैं मुंह नहीं लगाता। सोच लो, ये लो 2 महीने का खर्चा पानी है, बाकी अगर तुमने मुझसे बात करना भी हुआ तो 2 महीने बाद कॉल करना। सोच लो सेठ, मेरे पास इस माल के और भी बहुत खरीदार हैं, ऐसा ना हो कि मेरी नीयत बदल जाए। मेरा माल बेचोगे तुम? इतनी हिम्मत वाली, जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। क्या हो गया सेठ? कौन है तुम? और मेरे शौहर का गिरेबान क्यों पकड़ा हुआ है? अरे यार मेरा बचपन का दोस्त है, दुबई से आया है, हमारे इधर मैंने ऐसा मजाक चलता रहता है, तुमने डरा दिया ना अपनी भाभी को, अब बताओ। हाँ हाँ ये ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा बचपन का ही दोस्त है और हमारे बीच मजाक चलता रहता है, अब परेशान मत हो। लाओ तुम मुझे शरबत दो, तुम जाओ अंदर जाओ।
नए कपड़े तो हैं, यही शादी में पहन लूंगी निशाबा। किसकी शादी में? आप वो नौशाबा के निकाह में पहनने के लिए कपड़े देख रही थी। ओ, हम उनकी शादी में शिरकत नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो मुझसे, जो कह दिया बस वैसा ही होगा। और तुम्हें कपड़े दिए थे मैंने प्रेस करने के लिए? हाँ, वो मैंने मुलाजमा को दे दिया। तो मैंने कितनी बार कहा है मेरे काम अपने हाथों से खुद किया करो। तो मुलाजमा को क्यों दे दिए? वो उस वक्त मैं किचन में काम कर रही थी तो इसलिए मैंने मुलाजमा को दे दिया। अब तो नहीं कर रही ना, तो जाओ जाके को दूसरे कपड़े इस्त्री करो। एक्टिंग मत करो खड़े होके, जाओ यहां से चलो। बन गई आपकी लिस्ट? बन गई है। ये लें, आप भी देख लें कि कोई रिश्तेदार रह तो नहीं गया। नहीं भाई, मुझे कोई शौक नहीं है लिस्ट विस्ट देखने का, और वैसे भी जितने रिश्तेदार कम बुलाए ना उतना ही अच्छा है। और प्लीज हमारे सर्कल में से तो किसी को भी ना बुलाइए, बड़ी मेहरबानी। वो क्यों? क्योंकि मैं इतने गंदे मोहल्ले और छोटे से घर में ना अपने लोगों को बुला के बातें नहीं सुन सकती। भाई अपने होतों सोतों को बुलाने है ना तो बेशक बुला ले, मेरी बला से। तुम कहाँ जा रही हो? पप्पू की कॉल आई थी, ज्वेलरी का ऑर्डर देने जा रही है, इसलिए मुझे साथ चलने को कहा है। उनकी औकात है कि तुम्हें एक तोले से ऊपर जेवर दे सके? बस शश कहीं है सलमा बेगम के। देख रहे हैं पापा किस तरह की बातें कर रही है मामा मेरे ससुराल वालों के बारे में, और ये नहीं कि मेरे साथ चल के शॉपिंग करें, ये तो ऐसे बिहेव करें जैसे मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ। हाँ तो तुम भी तो माँ की मर्जी के खिलाफ शादी कर रही हो ना, तो ठीक है करो सब कुछ खुद। हाँ तो कर लेंगे, हमें आपकी खिदमात की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। बेटा मैंने वेडिंग प्लानर से बात कर ली है, वो कर लेगा सब कुछ, तुम बस शॉपिंग करो। थैंक यू सो मच पापा। मुझे ना कुछ कैश भी चाहिए शॉपिंग के लिए। अच्छा ये लो बेटे, ये मेरे लॉकर की चाबी है, जितने पैसे चाहो निकाल लो और खूब शॉपिंग करो। थैंक यू सो मच। बहुत ही बेवकूफ है वैसे आप बाप और बेटी। अरे लुटा दें सब कुछ इन फकीरों पे, देखिएगा एक दिन यही जूते मारेंगे आप दोनों को। असफर ये तो बहुत थोड़े से पैसे हैं, इससे क्या होगा, चार चूड़ियां नहीं आएंगी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा, अच्छी खासी रकम है, एक भारी सेट आ जाएगा आराम से। दिमाग ठिकाने है तुम्हारे, एक सेट ही देंगे क्या? तुम जानते नहीं हो बुशा भाभी को, ताने दे दे के जिंदगी अजीरन कर देंगी। और वो नौशाबा वो क्या कहेगी? अब ये तो आपको मेरा वहां रिश्ता लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब मेरे पास जितने पैसे हैं, जितनी मेरी औकात है, जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतने पैसे आपको दूंगा, उससे ज्यादा एक रुपया नहीं दे सकता। तो तेरे बाप की भी जमा पूंजी नहीं है कि वो इस्तेमाल कर लो, क्या करूं मैं? रमजान से ही बात करनी पड़ेगी। क्या, किससे? रमजान से। मामू से क्या बात करनी? क्या बात क्या करूंगी, अपना हिस्सा मांगूंगी ताकि तुम्हारी शादी तो सही तरीके से हो। उनसे पैसे मांगने की क्या जरूरत है, जब उनके पास पैसे होंगे तो वो खुद ही दे देंगे ना, आप क्यों मांग रही हो उनसे? वाह वाह, अपनी बेटी के टाइम पर थे उसके पास पैसे। देखिए अभी उनके पास अपने मकान के भी पैसे नहीं आए। बात सुन, तुझे रमजान की ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई है ना, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। नीयत खराब हो गई है उसकी, वो मेरा हिस्सा देना ही नहीं चाहता। अरे यार मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ,
खुदा के वास्ते उनसे एक रुपया मत मांगिएगा। आपको जितने पैसे चाहिए ना वो मैं आपको दे दूंगा यार। तो इतनी देर से क्या कर रहा था, पहले बोल देता। खून जला दिया लेकर मेरा ढेरों। हानिया इधर आओ, कहाँ छुपी हुई थी तुम सुबह से, मुझे नजर नहीं आई। वो अम्मी मैं काशिफ के कपड़े इस्त्री कर रही थी। वाह भाई वाह, क्या बहाना बनाया है, काशिफ के कपड़े इस्त्री कर रही थी। बीबी इस घर में सिर्फ काशिफ नहीं रहता, और लोग भी हैं जिनकी जिम्मेदारी है तुम पे। मैं इस्त्री करके नाश्ता बनाने ही जा रही थी। आप बताएं आप नाश्ते में क्या लेंगी। अमेरिकन ब्रेकफास्ट बनाना आता है तुम्हें। अरे तो फिर पूछ क्यों रही हो है? जब देसी खानों के अलावा तुम्हें कुछ और आता नहीं है बनाना, तो पूछ तो ऐसे रही थी जैसे बड़ी कॉन्टिनेंटल शेफ हो। मैं जल्दी सीख लूंगी। अच्छा तब तक हम हवा खाएंगे। अरे जाओ मेरे लिए जाके फ्रेश जूस लेकर आओ। जी मैं काशिफ को कपड़े दे आती हूँ। कपड़े के भागे नहीं जा रहे हैं, काम ना करने के खूब बहाने बनाती हो तुम। एक दफा कमरे में घुसोगी फिर निकलोगी नहीं खैर से। कैसी सुस्त और काहिल औरत हो तुम, तुम्हें कपड़े लेने भेजा था ना और तुम यहाँ खड़ी होकर गप्पे लगा रही हो। अरे हाँ काशिफ, मैं कब से इसको कह रही हूँ कि ये कपड़े हाथ में पकड़े लिए घूम रही हो, जाओ जाके कमरे में रखो, बस खड़ी मुझसे गप्पे हांक रही है। काशिफ मैं कपड़े लेकर ही आ रही थी। क्या कपड़े? कपड़े लेके आ रही थी, ड्रामेबाजी। अच्छा हुआ, तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ होना यही चाहिए। उठाओ ना अब ये कपड़े, बस अब कस्बे ना बहाने लग जाना। उठाओ। जब से आई है घर को जहन्नम बना रखा है। अरे उठा भी लो, हाथ टूटे हुए क्या? तानिया ये लो अमरती, अम्मा से छुपा कर कहीं रख लो, देख लिया तो शोर मचा लेंगे, पकड़ो पकड़ो। अरे मेरा आजकल वैसे किसी चीज को खाने को दिल नहीं करता, बिला वजह ले आए हो, ये अम्मा को दे दो प्लीज। अरे वो तो खाती रहती हैं हर वक्त, उनकी फिक्र नहीं करो तुम। तुम नहीं खाती हो, कितनी कमजोर हो गई हो, बच्चा के खाक सेहतमंद पैदा करोगी। लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको बच्चे की सेहत की ज्यादा दिलचस्पी है। तो क्या ना रखूं दिलचस्पी, मेरी पहली औलाद है, मैंने इतने बड़े बड़े प्लान सोचे हुए उसके लिए। पता है नासिर, तुम आजकल की सोसाइटी के मर्दों से बहुत मुख्तलिफ हो। तानिया तुम भी तो आम औरतों से मुख्तलिफ हो, मेरे लिए तुमने अपने घर वाले छोड़े, कितनी कुर्बानी दी, और अब तुम मुझे औलाद दे रही हो। तूफ है मुझ पर अगर मैं अब भी तुम्हारा ख्याल ना करूं। नासिर एक बात कहूं, कल जो तुम्हारा दोस्त आया हुआ था वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, कुछ अजीब सा था। प्लीज आइंदा उसको घर पे मत लाना। हाँ हाँ वो बस एक दफे मिलने आया था, आइंदा नहीं आएगा, तुम परेशान नहीं हो। और ये माल की क्या बात हो रही थी, इतना माल चाहिए, इतना माल मिलेगा, वक्त 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 आने दो, किस माल की बात हो रही है? हाँ वो उसके साथ मिलके कारोबार शुरू किया है ना मैंने, तो हम बाहर से माल मंगवाते हैं तो फिर मुल्क में सप्लाई करते हैं यहाँ पे। अच्छा तभी तुम्हारी जेब आजकल भरी रहती है। हाँ हाँ और इंशाल्लाह ऐसे ही भरी रहेगी, बस तुम तावन करती रहना मेरे साथ बस। कैसा तावन? यही कि खुश रहो, खाती पीती रहो। वैसे इस बच्चे के बाद हम दूसरा बच्चा प्लान करें? हरगिज नहीं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। अमृति तो खाओ तुम, मजे की है। ये काशिफ ने क्या तरीका अपना रखा है आनिया के साथ, तुम्हें मना करना चाहिए था उसे। अरे मेरे मना करने से तो ना आप रुकते हैं ना आपकी औलाद, और फिर वैसे भी ये उन दोनों मियां बीवी का मामला है, हमें नहीं बोलना चाहिए उसमें।
उन दोनों का मामला कैसे? रमजान से ये वादा करके लाया था मैं कि हानिया को इस घर में कोई तकलीफ नहीं। हाँ तो क्या तकलीफ है इसे इस घर में? बड़े मजे से ऐश से रह रही है। अरे झोंपड़ी से उठा के महल में तो ले आए, अब और क्या सहूलत दे? और फिर मियां बीवी में झगड़ा हो ही जाता है, आप खामखाम शय ना दें इसे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बुशरा कि काशिफ को औरत से बात करना सिखाओ। लेकिन ये काम तो माँ का होता है और तुम इसमें फेल हो चुके। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम तो हर काम में फेल है फेल। ये जो आपकी भतीजी है ना, ये है अच्छाई का मुजस्मा। अब यहाँ खड़ी चस्के लेती रहोगी या नाश्ता भी बनाओगी? इस घर में ना अब सुबह सुबह नाश्ता नहीं मिलता, बस लड़ाई होती है लड़ाई। बस भी करो बुशरा, क्यों उस बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़ जाती हो? अरे सुबह से तो काम पे लगी रहती है वो, फिर भी तुम खुश नहीं हो। अरे तो क्या मेरे सर पे एहसान करती है? है रहती है इस घर में, खाती है पीती है पहनती है, तो खा पी के हलाल तो करना चाहिए ना उसे। माफ कर दो मुझे, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। मेरी गलती है कि मैं तुम्हें समझाना शुरू कर देता हूँ। लाहौल वाला कुवत, मैं ही बुरी हूँ इस घर में, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती। मम्मी आप कब आई? अभी, जब तुम गर्मी में इतनी बेहाल हो रही हो तो मुलाजमा को साथ क्यों नहीं लगाया तुमने? अम्मी ये भी मेरे साथ लगी हुई थी। तुम यहाँ पर काम करने आई हो या गप्पे लगाने आई हो फोन पे? क्यों जी, क्या हुआ? तुम्हारी मालकिन किचन का अकेले काम कर रही है और तुम यहाँ फोन पे लगी हुई हो। वो जी वड्डी बेगम साहबा ने काम के लिए कहा था, मुझे तो सिर्फ इनको जरूरत की चीजें देनी है। कितनी बदतमीज मुलाजमा है ये भाभी की, तुम भाभी से इसकी शिकायत क्यों नहीं करती हो? किस बात की शिकायत लगाऊं? ये तो मेरे रोजमर्रा का काम। और अम्मी आप ही तो कहती हैं कि घर के काम क्या करो, कभी शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन बेटा इस काम के लिए मुलाजमिन है ना, तुम बस उनकी निगरानी किया करो, क्यों खुद को हलकान कर रही हो? ताई अम्मी ने सारे मुलाजमिन निकाल दिए, बस इसे ही रखा ही ऊपर के काम देख लेती है। तो क्या घर के सारे काम तुम अकेली करती हो? रफत क्या बात है, इसके काम करने से तुम्हें कोई मसला है? मैं तो चल चल के थक गई। और मनुषी सारे शॉपर्स मेरे हाथ में पकड़ा के खुद आराम से टहलती रही। अरे अम्मी आप जानती तो हैं, मैंने आपसे कहा भी था कि आपके जोड़ों में अब दर्द रहता है, आप ज्यादा चल नहीं सकती। तो ये बात तो नोशी को भी पता थी, लेकिन मजाल है जो उसे जरा सा भी एहसास हो, उसने तो मुलाजमा ही समझ लिया था मुझे। नोशी का मिजाज किस तरह का है ये आप पहले से ही जानती हैं, मामानी की फोटो कॉपी है वो। अरे चुप कर जा, क्या कहा है मैंने? एक बात कर ली है तुझसे, माँ अपने बेटे से अपने दिल की बात नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती?
लेकिन इन सब चीजों के लिए अपना दिमाग बना के रखें पहले से। इस तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब रहने दे, ऐसी भी बात नहीं है कि मैं कल की बच्ची से डर जाऊं। आने दे उसे, ठीक कर लूंगी। खैर जो भी है, वो काबू में आने वाली चीज तो है नहीं, और आगे जो कुछ भी होगा उसकी शिकायत आप मुझसे मत कीजिएगा प्लीज। अरे चलना, बड़ा आया नहीं तो। मैंने क्या कहा तुझे? मैंने तो उस वक्त भी कुछ नहीं कहा जब तू अलग टेबल पे खाना खाने बैठ गया था उसके साथ। कुछ कहा था मैंने? आप ही ने मुझसे कहा था कि नौशी को खुश रखो, मामू का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। बस बस बस, रहने दे। याद दिलाने की जरूरत नहीं, मुझे याद है। तावीज बना के गले में न डाल मेरे। उफो, आगे भी शॉपर उठा के वापस भेज देना। अरे भाई उफ। ये क्या कर रही हो तुम? तेरी चेकिंग कर रही हूँ। तू जो इतने पैसे लुटा रहा है ना, तो मैं सोच रही थी कि आ कहाँ से रहे पैसे। अब मुझे पता चला है पैसे यहाँ से आ रहे हैं। देख अम्मा, मेरी मेहनत की कमाई पे शक मत कर तू। मैंने तुझे पैदा किया, तूने मुझे पैदा नहीं किया। एक बात बता नासिर, तू कहीं नशे वशे तो नहीं बेचने लगा जो पैसे आ रहे तेरे पास इतने? अम्मा ये कैसी बातें कर रही है तू? तेरे बेटे का दिल इतना बड़ा नहीं है जो पहले नशा बेचे और फिर जेल की हवा खाए जाके। तो फिर मुझे ये बता कि नोट आ कहाँ से रहे? सबर कर लेती ना, तुझे मैंने बता ही देना था ना अम्मा। तू भी बेसब्री हो जाती, जासूसी करने की पुरानी आदत है तेरी। सुन ले फिर, ये कैसे आए हैं पैसे? चल जल्दी बता मुझे। भाभी मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। बस करो रिफत, मैंने अपने कानों से सुना है सब कुछ। अरे इसीलिए तो तुम्हारी बेटी किसी से घुलती मिलती नहीं है। जो आ जाती है उसको पट्टियां पढ़ाने के लिए। मेरा यकीन करें, अम्मी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है मुझसे। बंद करो झूठ बोलना। मुझे मुलाजमा भी बता चुकी है कि तुम्हारी अम्मी को तुम्हें किचन में काम करता देखकर कितना गुस्सा चढ़ा था। वो झूठ बोल रही है भाभी। मैंने तो उसे बस इतना कहा था कि तुम हानिया का हाथ बटाने के बजाय फोन पर बातें कर रही हो। ये मेरा घर है रिफत, यहाँ हर काम हर फैसला मेरी मर्जी से होता है। अगर तुम्हें अपनी बेटी का काम करना इतना ही चुभ रहा है ना, तो जाओ ले जाओ इसको अपने साथ। ये क्या कह रही हैं आप? वो ही कह रही हूँ जो तुमने सुना है। अरे ले जाओ इसको, और उस वक्त तक यहाँ नहीं भेजना जब तक तुम दोनों माँ बेटी का दिमाग ठीक नहीं हो जाता। इतनी बड़ी बात नहीं थी, जितना आपने बात का बढ़ावा बना दिया है। अच्छा मैं बढ़ावा दे रही हूँ बात को? अब तो बात ही खत्म हो गई है। हलीमा, हलीमा। जी बेगम साहबा। हानिया के कमरे में जाओ और इसका सारा सामान पैक करके ले आओ, और इन दोनों को रुख्सत करो, गेट पर ताला लगाकर अंदर आओ। जी अच्छा। भाभी भाभी खुदा के लिए इसे माफ कर दे और इस तरह घर से मत निकाले। अरे तुम लोगों को तो इज्जत ही रास नहीं है। हमने तुम्हारी बदनाम बेटी को अपने घर की इज्जत बनाया था, उसका ये सिला दे रहे हो तुम लोग हमें? मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक काशिफ नहीं आ जाते। काशिफ भी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। अरे वो तो तुमसे खुद बेजार हुआ हुआ है। बंद करो ये टसवे बहाना और निकलो यहां से। ये किसे निकालने की बात हो रही है? किसी को भी नहीं,
लगता है अबू, आंटी जबरदस्ती मुझे अम्मी के साथ भेज रही है। पूरी बात बताओ ना इन्हें कि तुम्हारी माँ आकर तुम्हें यहाँ पर पट्टियां पढ़ाती हैं। अरे आज तो ये हमारी मुलाजमा से ही उलझ पड़ी थी दोनों माँ बेटी। क्या कह रही हो तुम, हुआ क्या है? वही हुआ जो मिडिल क्लास घरानों में होता है, सास और नंद के खिलाफ साजिश है। माँ बेटी को सब कुछ अपने हाथ में करने के गुर सिखा रही है, गुर। मेरा खुदा गवाह है भैसा, मैंने हमेशा अपनी बेटी को आप दोनों की इज्जत करने के लिए कहा। भाभी को गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हैं, झूठ बोल रही हूँ मैं? बुला ले मुलाजमा को, पूछे उससे, सब कुछ उसने अपने कानों से सुना है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि हानिया झूठ नहीं बोल सकती। वाह, खूब चढ़ा इनको सर पे, लेकिन मैं ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। भेजे इसको अपनी माँ के साथ इसके घर पे, चंद दिन मैके में रहेगी ना तो खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा इसका। कोई कहीं नहीं जा रहा, खत्म करो इस झगड़े को। अच्छा तो बस ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। सब करें अपनी मर्जियां, यही चाहते हैं ना आप लोग? भाभी, भाई साहब इन्हें रोके ना, कहाँ जा रही है ये? कहीं नहीं जा रही वो, हर दूसरे दिन यही दौरा पड़ता है। तुम फिक्र मत करो, मैं समझाता हूँ उसे। फिर क्या कहती हो अम्मा? बड़ा शैतानी चरखा है तू, मेरी तो सोच यहाँ तक पहुंची भी नहीं जबकि माँ हूँ तेरी मैं। अम्मा तू सोचती कहाँ है, तू बस बोलती है। अच्छा चुप कर जा, ज्यादा ना बोल। ये बता कि तानिया को इस बारे में पता है या नहीं? क्या हुआ, किस बारे में? मुझे पता नहीं। वो मेहर अम्मा बात ये कर रहे थे कि हमारे बच्चे की जो डिलीवरी है ना वो किसी अच्छे बड़े अस्पताल में होनी चाहिए। बेटा बड़े अस्पताल के खर्चे भी बहुत हैं, और वैसे भी ये कौन सा बेटा पैदा करिए, बेटी पैदा करिए किसी भी अस्पताल में हो जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा? मैं तुझे क्या समझाया था, मुंह बंद रखना अपना तुम। वो अच्छा ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी, अब बोल के मैं क्यों बुरा बनूं। हाँ। अच्छा अच्छा चल तू बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती, चल बैठ जा आराम। दूध ला दूं रू अफजा डाल के? क्या मुसीबत है, इसको भी इसी वक्त खराब होना था। क्या बात है बेटा, बड़े थके थके लग रहे हो, लगता है भाई साहब सारा काम तुम पर छोड़कर खुद घर में आराम कर रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद से कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा काम करूं ताकि किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैं नहीं चाहता हूं कि सब बोले कि मैं यहां बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूं। अरे शिकायत हो तो भाड़ में जाए, इस तरह अपने आप को थकाने से क्या फायदा है? आप भी अजीब बातें करती हैं, कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ। किसका फोन है, उठाते क्यों नहीं हो? अरे वही काशिफ है, बुलाओ जब मैं फजूल की बात करेगा, मुझे नहीं बात करनी उससे।
अरे बेटा इतनी सी बात का वो भाभी और काशिप बतंगड़ बना देंगे कि हमारा फोन उठाना भी गवारा नहीं कर रहा। उठा लो। क्या मुसीबत है यार। हाँ बोलो। हेलो। हाँ तुम ऑफिस में ही हो अभी? ऑफिस टाइमिंग मेरी 5 बजे तक है, उसके बाद मैं अपने घर पे होता हूँ। क्या नालायक स्टाफ रखा हुआ है डैड ने, इतनी जल्दी घर चले जाते हो। खैर जो भी है, अभी तुम यहाँ तारिक रोड पे आओ। किस लिए? गाड़ी खराब हो गई, आखिर गाड़ी ठीक करवाओ, मुझे घर ड्रॉप करो, जल्दी पहुंचो। देखो मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। क्या? क्या बकवास है? क्या कह रहा था चूहा? कुछ नहीं। कुछ तो कह रहा था, कोई तो बात होगी ना। क्या हो गया तुम्हें भाई, कहाँ जा रही है? बस बस जा रही हूँ मैं अपने भाई के घर, ताकि आप सब घर वाले ना अपनी मनमानियां कर सके। अच्छा बताओ, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? खाम खाए की जलन और हसद पाल रखी है तुमने वो गरीब हानिया और उसकी माँ के लिए। अरे बड़ी मक्कार है वो दोनों माँ बेटी, किस चलाकी से मेरे शोहर और बेटे को शीशे में उतार लिया उन्होंने और मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। मुझे हानिया और रिफत ने सारी बात बता दी, बल्कि मैंने तो बड़ी सख्ती से पूछा था हलीमा से, तो वो मान गई मेरी बात कि हाँ मैंने 4 बातें लगा के बताई हैं तुम्हें। अच्छा तो कर लिया आपने सारी तफ्तीश है ना, मुझे ही मुजरिम और झूठा ठहराया होगा और क्या। अल्लाह की बंदी, मेरे कहने का मकसद ये है कि मुलाजमों की बातों का कौन एतबार करता। अरे तुम एक अच्छी खासी उम्र की समझदार औरत हो। खबरदार खबरदार, अगर मुझे उम्र का ताना दिया तो। अरे ज्यादा से ज्यादा मैं 35 साल की होंगी, वो तो जरा मेरा वजन ज्यादा हो गया इसलिए बड़ी लगती हूँ। आपके साथ जब भी कहीं जाती हूँ ना, मेरी सहेलियां कहती हैं कि अब्बा के साथ आई हो। मेरी मजाल कि मैं ऐसी बातें तुमसे करूंगा। बेटी की शादी का वक्त है, इस वक्त बहू को निकालोगी, लोग हजारों बातें बनाएंगे। तो अपनी बहू से कहे ना कि टिक के बैठे इस घर में और उस सलमा का भी आना बंद करें, जब देखो मुंह उठा के आ जाती है। अच्छा बाबा सब ठीक हो जाएगा, तुम अपना मुंह ठीक रखो। वो ढोलकी वगैरह नहीं कराओगी घर में? माहौल नहीं लग रहा शादी का। नहीं भाई नहीं, ढोलकी वोलकी नहीं, किसी फेमस म्यूजिक बैंड का इंतजाम करें। अरे किसी एक फंक्शन में तो आ जाए मेरी सहेलियां, आखिर मेरी इज्जत है इस माटले में। हाँ बिल्कुल ठीक है, बात सही है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब ये बैग उठाओ, कपड़े निकाल के अलमारी में रखो, चलो मुंह ठीक करो। शाबाश, चलो ठीक है। अच्छा किया वैसे तुमने काशिप को जवाब। हाँ नहीं तो भाई साहब की फैक्ट्री में काम करते हो, उसका ये मतलब थोड़ी है कि पूरे घर की नौकरी करके रखी हुई है। लड़के का तो दिमाग खराब हो गया है। तुम ना नौशी से बात करो, वो बाप से कह के कान खिंचवाएगी। अरे काशिप ऐसे कैसे। थैंक गॉड तुम घर पे हो। अरे माँ सदके मेरी शहजादी है ये। क्या कर रही है, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो रहा है। ओह और तुमने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? कॉल कर करके पागल हो गई हूँ मैं। अरे तो फोन बंद ना करे बेचारा, तो और क्या करे, काशी ने जिंदगी जीरन की हुई है इसकी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी बस। अरे चलो बात ना करो, अपने घर की बच्ची है, इसे बताना तो पड़ेगा ना कि इसका भाई घर के होने वाले दामाद से कैसा सुलूक कर रहा है। क्यों, क्या कहा काशी ने तुमसे? नहीं इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। या, बड़ी बात नहीं है, तुम छोड़ो जी, मैं बताती हूँ तुम्हें। आप परेशान मत हो, मैं आपसे कह रही हूँ ना अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं मजे कोई बात नहीं हुई, ताई अम्मी भी ठीक हैं और काशिफ अभी तक घर। किससे बात कर रही थी? वो अम्मी से। तो बंद क्यों कर दिया?
आप आ गए ना इसलिए, मैं बाद में बात कर लूंगी अम्मी से। अम्मी से ही बात करी थी या फिर अपने पुराने आशिक से? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद बात कर लीजिए। बकवास बंद करो। और तुम देख नहीं रही हो मेरे कपड़ों में क्या हालत हुई है? जाओ जाके कपड़े लेकर आओ। हाँ वो आपके शर्ट पे इतनी धूल मिट्टी क्यों है? ये वैसे ही धूल है आनिया, जैसे तुम शादी की रात से मेरी आंखों में झोंकती आ रही हो। मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ, फ्रेश हो जाए। रुको, कपड़े बाद में निकाल, पहले मुझे एक बात का जवाब दो। कीड़े की मोहब्बत तुम्हारे दिल से अभी तक निकली है या फिर अभी भी वो कीड़ा तुम्हारे जहन में चल रहा है? प्लीज काशिफ, इस तरह की बातें मत करें। आप अगर चाहें तो मेरा गला घोट के मुझे जान से मार दें, लेकिन इस तरह शक तो मत करें। तुम्हारे ऐसी औरतों पे ट्रस्ट करना ना, कोई अकलमंद इंसान तो ये नहीं करेगा। हाँ तो मेरे सामने एक्टिंग मत किया करो, कितनी बार कहा है। अब जाओ और जाके कपड़े लेकर आओ। तू बता कितनी बेहया लड़की, मेरे सामने ही असफर के साथ खाना खाना शुरू हो गई। ओहो पप्पू, आप क्या थानेदारनी बन के खड़ी हो गई हैं? इतनी मिर्ची डालेंगे, पानी ला कर दें। मैं लेकर आता हूँ। तुम तो बैठो, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कंपनी दो। पप्पू पानी लाए ना प्लीज। लाती। सुनो, बुरा नहीं मानना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो तुम मम्मी से बातें भी करनी, पहले तुम ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है? शादी का गिफ्ट। तुम शादी पर ये वॉच पहनकर आओगे। देखो मैं ये सब चीजें नहीं लेता हूँ, प्लीज। हाँ, कितनी खूबसूरत घड़ी है। हे, इसका डाई तो देखो कैसे चमक रहा है। सोने की है क्या? नहीं पप्पो, सोने की घड़ियां पेंडू लोग पहनते हैं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव और ब्रांडेड वॉच है, सोने से कम भी नहीं है। लेकिन क्या फायदा, असवर ने लेने से इनकार कर दिया, शायद इसे पसंद नहीं आई। अरे क्यों इनकार करेगा, तुम इतनी मोहब्बत से लाई हो। पप्पो आप बस ये देखिएगा कि शादी वाले दिन ये असवर यही पहन कर आए, प्लीज। अरे तुम फिक्र ना करो, अब तो सारी उम्र यही पहनेगा। अब तुम जाओ, लेकिन वो याद रखना काशी वाली बात है। डोंट वरी, मैं काशी को ना अपने लफ्जों में समझा दूंगी। मैं बस यही देने आई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं ये घड़ी नहीं ले सकता, अभी इसको वापस कर। आराम से बैठ। पढ़ाया नहीं तब वही चीज, तुझे कैसे समझाऊं? देखे बेगम साहबा, निशाबा की शादी का दिन भी आ गया और आपने मुझे एक जोड़ा भी नहीं लेके दिया। अरे हलीमा, तुम्हें पता तो है पिछले दिनों घर में कितने हंगामे थे। सच पूछो ना तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अब तो याद करवा रही हूँ ना आपको मैं, अब तो कुछ कर लेना। करती हूँ, बल्कि रुको अभी एक मिनट में तुम्हारा मसला हल करती हूँ। हानिया, हानिया। जी आंटी। ये हलीमा को नौशी के निकाह पर पहनने के लिए कोई जोड़ा चाहिए। तुम ऐसा करो कि अपने जहेज के कपड़ों में से एक जोड़ा निकाल के इसे दे दो। लेकिन मेरे पास तो खुद ही दो चार सूट हैं। तौबा, वैसे तुम्हारी नीयत नहीं भरती। और फिर वैसे भी कौन से तुम्हारे घर वालों ने बड़े आलीशान जोड़े दिए थे जो मुलाजमा को एक जोड़ा देते हुए तुम्हें तकलीफ हो रही है? ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये कह रही। तो मुझे तुम्हारी ये बहस की आदत ना जहर लगती है। हलीमा जाओ, जाके इसकी अलमारी में से जो जोड़ा तुम्हें अच्छा लगता है ना वो निकाल लो। अच्छा जी, अभी देखती मैं। खाम खा पूछा मैंने इससे,
अब जाओ, खड़ी क्या देख रही हो मेरा मुंह, जाओ यहां से। काशिफ, तुम्हें डैड भी कितनी बार वार्न कर चुके हैं कि मेरे और असफर के मैटर से दूर रहा करो, लेकिन फिर भी तुम वही हरकतें करते हो। और मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया कि तुम उस गरीब फकीर इंसान से दूर रहा करो। गरीब और फकीर वो नहीं है, तुम हो जो बगैर अपने हाथ पैर हिलाए डैड के पैसे उड़ाते रहते हो। अपनी बकवास प्लीज बंद करो। क्यों, तकलीफ होती है ना अपनी इंसल्ट पे? इसी तरह असफर को भी तकलीफ होती है। अच्छा, तो तुम्हें उस गरीब ने अपना वकील बनाकर भेजा, खुद तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने आके मुझसे डायरेक्ट बात करे एक मर्द की तरह। वो तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहता और तुम इस काबिल हो भी नहीं। काशिफ, क्या हो गया है तुम्हें? बहन पर हाथ उठा रहे हो? ठीक कह रही हो तुम, मुझे अपनी बहन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, मुझे तुम पर हाथ उठाना चाहिए। ये मेरा बात कैसे बन रहा था? काशिफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत छोड़ो। काशिफ, ये घर है या टॉर्चर सेल, और तुम इंसान हो के जानवर? मां बहन बीवी सबकी तमीज भुला दी तुमने। सॉरी डैड, वो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था या किसी की पढ़ाई हुई पट्टी थी? शादी से पहले तो तुमने नोशी पर कभी हाथ नहीं उठाया, ये सारे मौजे शादी के बाद ही रोनमा होने शुरू हुए। पापा, आप इसे समझा लें, ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहे जीऊं। अगर इसे रोब जमाना है तो अपनी बीवी पर जमाए। चुप करो तुम सब। और तुम हानिया पर हाथ उठाने से बाज क्यों नहीं आते? इसमें मेरा कसूर नहीं है। जब मसला मेरा और नोशी का था तो उसे किसने कहा था बीच में टांग अड़ाए? तुम हाथ से बढ़ रहे। दैट आप लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए ना, कि आप लोग ऐसा कुछ ना करो जिससे मुझे गुस्सा आए। और डैड, आपको तो मैंने पहले ही कहा था कि आप नोशी और असफर की शादी। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। Are you serious? निकल जाओ। Get lost. Okay. काशी रुक जाओ। ये क्या किया आपने? अरे इसकी वजह से अपने इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया? इसकी वजह से नहीं, उसकी हरकतों की वजह से। और ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए।